गुना का रहने वाला एमडी का छात्र एपरास्टिक एनीमिया से पीड़ित हो गया और गंभीर स्थिति में पहुंच गया। परिवार के लोग इलाज के लिए इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। घोड़े के खून से निकाली गई एंटीबॉडी इंजेक्शन से उसकी जान बचाई गई। इस थेरेपी एटीजी से पहली बार इस अस्पताल में उपचार किया गया। दो हफ्ते पहले ही दी गई थेरेपी के बाद अब पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ है। इंजेक्शन आता है वो एटीजी इंजेक्शन कई प्रकार के जानवरों के थ्रू बनाया जाता है, उसमें एक्वाइन भी रहता है और रैबिट के द्वारा भी बनाया जाता है। कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो मरीज था ये एक एप्लास्टिक एनीमिया का मरीज था जिसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए वो अनफिट पाया गया था कुछ दूसरे कारणों से, तो इसको ये एटीजी का इंजेक्शन दिया गया और ये दो महीने के करीब इसको हमने भर्ती रखा था और ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अभी क्या स्थिति सर? पेशेंट बिल्कुल ठीक है और पेशेंट की जो है छुट्टी कर दी गई है। ठीक है सर, आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर सुमित शुक्ला हूँ, मैं अधीक्षक हूँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इंदौर।